नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल ई स्पेशल्स के नए एपिसोड में। आज इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की अलख केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जगा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कल 125वीं जन्म तिथि है। इस तिथि को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है और भारत सरकार की उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज के शहीदों की याद में स्मारक बनाए जाने की भी योजना है। तो आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हिंदू कायस्थ परिवार में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक वकील थे। इनकी मां प्रभावती, गृहिणी और एक धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता ने कटक महापालिका में काफी समय तक कार्य किया था। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उनके कार्यों के लिए उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस की आरंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल और रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। 1919 में इन्होंने बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए हुई परीक्षा में भी भाग लिया था, लेकिन आंखों की रोशनी कम होने के कारण वे उसमें अयोग्य हो गए थे। हालांकि बाद में इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा देकर फोर्ट विलियम सेनालय में रंग रूप के रूप में प्रवेश पा लिया था, लेकिन इसे छोड़कर बाद में उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष जी आईसीएस परीक्षा देने 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। उनके पास उम्र के आधार पर इस परीक्षा में भाग लेने का मात्र एक ही अवसर शेष था और उन्होंने इस अवसर को अपनी मेहनत के दम पर मेरिट में चौथा स्थान पाते हुए 1920 में पास कर लिया था। आप लोग जानते ही होंगे कि उस समय की आईसीएस परीक्षा आजकल की आईएएस परीक्षा हो गई है। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों से प्रभावित सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की गुलामी रास नहीं आई और 1921 में उन्होंने आईसीएस सेवा से त्यागपत्र दे दिया और वे भारत आकर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। 20 जुलाई 1921 को सुभाष चंद्र बोस पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे और महात्मा गांधी जी ने उन्हें बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देश बंधु चितरंजन दास बाबू से मिलने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी की सलाह को मानकर वे कोलकाता जाकर असहयोग आंदोलन में चितरंजन बाबू के सहभागी बन गए। महात्मा गांधी ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर कोलकाता में होने वाले स्वागत का सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जोरदार बहिष्कार किया गया था, जिसके कारण सुभाष जी 1921 में पहली बार 6 महीने के लिए जेल चले गए थे।
स्वाधीनता के पूरे आंदोलन में सुभाष जी को लगभग 11 बार जेल जाना पड़ा था। 1923 में स्वराज पार्टी ने बंगाल में महापालिका चुनाव में जीत हासिल की थी। तो चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर बने और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे प्रशासनिक सुधार किए थे। 1921 से 1931 तक सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा कांग्रेस नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। 1931 में जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई तो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों को न बचा पाने के कारण कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति नरम तरीकों से बात करने को लेकर बहुत नाराज हो गए। 1933 से 1936 तक नेताजी यूरोप में रहे। वहां उन्होंने इटली के नेता मुसोलिनी और आयरलैंड के नेता डी वलेला से मुलाकात कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने के लिए उन लोगों से वचन भी लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेंकल, जो उनके लेखन को टाइप करती थी, उन्हीं से हिंदू रीति से विवाह किया था, जिससे उन्हें एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम अनीता बोस रखा था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिर युवाओं को संगठित कर एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में उन्होंने युवाओं का भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन किया और 5 जुलाई को विधिवत एक फौज, जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं, उसका गठन किया गया। इस आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जापान का सहयोग किया था, जिसके लिए उसे आज भी विदेशों में याद किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें से वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आजाद हिंद, दिल्ली चलो, इंडियन स्ट्रगल 1922-42, नेताजी एंड इंडियन पिलिग्रिम आदि प्रमुख हैं। आजादी के संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अनेक नारे दिए थे, जिसमें से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद आदि हैं। जय हिंद नारा आज हमारी सेना, पुलिस और बहुत सी जगह अत्यधिक प्रचलित है। जापान में नेताजी का शहीद दिवस 18 अगस्त को अत्यंत उत्साह से मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु होना माना जाता है। हालांकि आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य है, क्योंकि उस दुर्घटना में उनका मृत शरीर नहीं मिला था और अनेक बार उनको उसके बाद भी जीवित देखे जाने के किस्से सुनाई देते रहे हैं और उनकी मौत के रहस्य की जांच हेतु कई आयोग भी बनाए गए थे। देश को स्वतंत्र कराने में नेताजी ने अहम भूमिका निभाई थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, जो आज भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। सन 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को
हम धूमधाम से मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो ये थी नेताजी से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुकुली स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों से सब्सक्राइब कराने को भी कहें। धन्यवाद।